फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल YTH इंडिया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक दैट इज फ्रॉम EVS एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज सोलर सिस्टम। तो आज जो है हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सोलर सिस्टम में भी जो है हम सन को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आज अपनी गैलेक्सी में जो स्टार है सन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सन जो है एक स्टार है और इसकी अपनी खुद की एनर्जी है, जिस एनर्जी से जो है आपके प्लैनेट अर्थ को जो है एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसके अलावा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड जो है चक्कर मार रहे हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो हम जानते हैं आज इसके डिटेलिंग्स के बारे में कि सन की डिटेल क्या है। तो देखिए, सन क्या है, एक स्टार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, सन क्या है, एक स्टार है। और स्टार की अगर हम बात करें तो स्टार की खूबी क्या होती है, इसकी अपनी खुद की एक लाइट होती है, इसकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। अगर लाइट है तो जाहिर सी बात है उसकी खुद की अपनी एक एनर्जी होगी और इसकी खुद की एनर्जी है। इसके अलावा अगर हम सन की बात करें तो इसका साइज़ जो है अपने आप में ही काफ़ी बिग होता है। अगर हम प्लैनेट्स के कंपैरिजन में इसकी बात करें, इसका साइज़ जो है बहुत वास्ट होता है और साथ ही साथ इसका ग्रेविटेशनल पुल भी जो है बहुत हाई होता है। मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल पुल का जो है वो भी काफ़ी हाई होता है। और इसकी एक निश्चित लाइफ भी होती है, सन की भी अपनी एक लाइफ होती है। जैसे हमने स्टार की हमने बात करी थी पिछले सेशन में, तो उसमें हमने आपको स्टार की लाइफ के बारे में बताया था। सन भी एक स्टार है, इसकी भी अपनी खुद की लाइफ है जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित की गई है। तो आज हम बात करते हैं सन की। तो देखिए, हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस क्या है अर्थ से। अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की, तो इसका डिस्टेंस है, अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस इसका 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर इसका मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस है। और अगर हम इसकी मिनिमम डिस्टेंस की बात करें आपकी अर्थ से, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है इसका 14.9 करोड़ किलोमीटर है। देखिए, ये वेरिएशन डिस्टेंस में कैसे आ रहा है, आपने कहा कि डिस्टेंस तो एक ही होना चाहिए क्योंकि आप जो है कुछ इस तरीके से कंसिडर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सन जो है, पृथ्वी जो है सन के कभी भी इस पाथ में चक्कर नहीं लगाती, पृथ्वी जो है सन के इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। ये जो है इसका सही फॉर्मेशन है जिसमें आपकी अर्थ है ये। तो देखिए, ये जो है इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये जो है इसका मिनिमम डिस्टेंस है। ऐसी जब पोजीशन बनती है, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। इस तरीके से दो कंडीशंस जो है फॉर्म होती है, एक होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर्म होता है अर्थ का सन से, और एक कंडीशन ऐसी फॉर्म होती है जहां पर उसका मिनिमम डिस्टेंस फॉर्म होता है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एपिहीलियम, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिहीलियम। इस पर क्वेश्चन आता है। और जब अर्थ जो है सन के पास होती है उसे हम बोलते हैं पेरिहीलियम। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसकी संभावना काफ़ी है क्योंकि दोनों ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या पॉइंट बनना है आपका, जब सन की अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे उसको एपिहीलियम, और जब सन की अर्थ के अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस होगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरिहीलियम। पेरी मतलब पास, इस तरीके से अपने शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। और ये कंडीशन कब बनती है आपकी, 3 जनवरी, और ये कंडीशन आपकी कब बनती है, 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है आपका एपिहीलियम होता है। और इस डिस्टेंस की वजह से ही आपके सीजन्स जो है अर्थ में होते हैं। सीजन होने का कारण ही जो है आपका जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो आपके अर्थ घूम रही है, इसके कारण सीजन भी अर्थ में होते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं इसमें आपकी, इसको आप मिनिमम डिस्टेंस इतना करिए। अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें, हम आपकी एवरेज डिस्टेंस आपका 14.9 करोड़ किलोमीटर है। हालांकि पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम से ही आपका, तो ये जो है आपका एवरेज डिस्टेंस है। हमने इसमें सन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सन में जो है सेंटर ऑफ द सन, सन के अगर हम सेंटर की बात करें तो उसमें जो है आपकी रिएक्शन चलती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है आपकी रिएक्शन चलती है इन द
सेंटर ऑफ सन, जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अगर आप बात करें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन की वजह से कंबाइन होकर के बनाते हैं एक हीलियम का मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप सेंटर की तरफ देखें तो आपको हीलियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप आउटर की तरफ देखें तो आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा मिलेगी। इसका प्रूफ हम देखेंगे अभी जब हम लेयर्स ऑफ सन पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ द सन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और निर्माण करते हैं वो एक हीलियम के मॉलिक्यूल का। इस प्रोसेस को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीवियस सेशन में स्टार की जो लाइफ थी उसके बारे में अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। तो अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ सन, सन की लेयर्स। देखिए सन की जो है वैसे तो तीन लेयर होंगी, फिर भी हम एक लेयर और लिख लेंगे, उसका नाम है कोरोना। हम बात करते हैं अपनी सन की फर्स्ट लेयर की, उसका नाम है फोटोस्फेयर। फिर आएगा क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। उसके बाद जो आपकी अगली लेयर है, पहली लेयर कोर लिखी है, सबसे पहले कोर। कोर मतलब सेंटर, कोर का अगर आप वैसे भी मीनिंग देखें तो कोर का मतलब होता है सेंटर। पहले लिखिए कोर, फिर आप लिखिए फोटोस्फेयर, फिर आप लिखेंगे क्रोमोस्फेयर। अब देखिए अगर हम कोर की बात करें तो कोर का जो आपका सेंटर में अर्थ जो सन का टेम्परेचर है, यानी अगर हम सन के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपका होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ का आपका टेम्परेचर होता है कोर में, अगर हम आप सन के कोर की बात करें। आगे बढ़ते हैं फोटोस्फीयर की तरफ, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसमें वैसे इतना ही पढ़ना था हमको। फोटोस्फीयर आप देखिए, बात करें अगर हम फोटोस्फीयर की तो ये विजिबल पार्ट ऑफ सन है, यानी जिस पार्ट को आप देख पा रहे हैं, जिस पार्ट को आप देख पा रहे हैं, जो आप जैसे सन को धरती से देखते हैं तो जो पार्ट आपको विजिबल हो रहा है ये आपका फोटोस्फीयर वाला ही पार्ट है। इसके अलावा हम बात करें इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इसके अलावा इसमें एक तूफान आता है हॉट स्टोन का, वो तूफान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। वो तूफान जो है इलेक्ट्रॉन्स का तूफान होता है, इसे हम बोलते हैं हॉट स्टोन। स्टोन का मतलब होता है तूफान, हॉट स्टोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, इसी को हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। फ्लेयर्स को आप ऐसे समझिए, अगर आपने कभी इस वर्ड को पढ़ा हो, फ्लेयर्स का मतलब होती है लपटें जो होती हैं, तो ये जो वहाँ पर एक तूफान से चलता है, इलेक्ट्रॉन्स का तूफान होता है वो, तो उसी को सोलर फ्लेयर्स, जो गर्मी तरीके से हीट एनर्जी जो फेंकता है वो, उसी को हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स आपका। इसके अलावा हम बात करते हैं आपका, इसी को हम बोलते हैं रेडियो इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, रेडियो इफेक्ट, ठीक है। जहां से सन के जिस पार्ट से सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट होता है वहीं पर होता है सन स्पॉट। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट है सन स्पॉट जो है, इसी को बोलेंगे। इसके अलावा इसमें इसका जो आपका टेम्परेचर है वो है 15000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस
1500 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होगा, और इसी को जो है हम कोल्ड पोल ऑफ सन भी बोलते हैं, इसी हिस्से को जो है हम कोल्ड पोल ऑफ सन बोलेंगे, यानी जो सन स्पॉट है यहीं से जो है सोलर फ्लेयर्स, ये जो हॉट स्टॉर्म है ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और इसका टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम कोल्ड पोल ऑफ सन बोलेंगे। आप टेम्परेचर ही देख लीजिए ना कि यहाँ का टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, इसका तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, इसका तो मिलियन में ही जा रहा है, और इसका महज कितना रह गया 1500, तो बहुत अंतर हो गया इसके अलावा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली लेयर है क्रोमोस्फेयर। तीसरी लेयर है हमारी क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर को आप जो है कलर ऑफ लाइट बोल सकते हैं, इसका रंग कैसा होता है, कलर ऑफ लाइट जैसा, और जो इसका एटमॉस्फेयर है, जो इसका एटमॉस्फेयर है इसमें आपके 71% हाइड्रोजन मिलेगी आपको, और 26% जो है आपको इसमें हीलियम मिलेगी। 71% तक जो है इसमें आपको हाइड्रोजन मिल रही है, और 26% जो है आपको इसमें हीलियम मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर जो है हाइड्रोजन हीलियम वाला कंसेप्ट बताया था, और आपने पिछली बार जो स्टार वाले कंसेप्ट पढ़ा उसमें भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी। अब आपकी आउटर लेयर आ रही है कोरोना। ठीक है, अब अगली लेयर जो है कोरोना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसमें यही थी ना, लेकिन फिर हम उसके बाद देख लेते हैं कि आउटर लेयर ऑफ सन है। इसमें क्या होता है, एक डायमंड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, डायमंड जैसा जो है इसका रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है आपका, और यहां से जो है एक्सरे का एमिशन होता है, यानी एक्सरे एमिट करता है, और हम सब जानते हैं कि एक्सरे जो है अपने आप में ही काफी हार्मफुल रेज होती है। ठीक है, और ये जो आपकी एक्सरे है ये हार्मफुल होती है इन प्रेगनेंसी। इसके कारण क्या होता है, कैंसर। एक्सरे के कारण आपका कैंसर भी होता है, इसीलिए मोस्टली अगर इस लेयर की बात करें ना, ये कोरोना वाली आपकी लेयर है, तो ये जो उसका डायमंड जैसा स्ट्रक्चर है ये आपको एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स ही दिखाई देगा। कब विजिबल होता है ये आपको स्ट्रक्चर, टाइम से डायमंड जैसा स्ट्रक्चर विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स, जब ग्रहण पड़ता है उसके टाइम में जो आपको एक चमकना चमकना सा स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है, तो उसी दौरान ये जो आपको डायमंड रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये वही स्ट्रक्चर होता है आपका। इस स्ट्रक्चर के दौरान एक्सरे एमिशन होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि ग्रहण के समय जो है बाहर मत निकलिए। उसका कारण यही है कि वो हार्मफुल जो रेडिएशन है उसको रेडिएट करता है, वो रेडिएशन कुछ और नहीं एक्सरे आपका रेडिएशन होता है, जिसके कारण आपने पढ़ा ही होगा कि इसके कारण आपको कैंसर होता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो हमने इसको पढ़ लिया, कोरोना वाली लेयर बीमारी जो है एक तरीके से हो गई है। अब हम बात करते हैं कि सन जो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, सन की जो रेज जो है धरती तक आती हैं उसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव, उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव। और पैकेट्स के फॉर्म में जो है वो अपनी एनर्जी को मतलब छोटे छोटे स्मॉल बंडल ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में जो है एनर्जी धरती तक आती है, फिर अर्थ जब उसी एनर्जी को रेडिएट करती है तो वो उसको जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट कर देती है। सन से जो आई वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, आपने फोटॉन्स पढ़े होंगे, तो फोटॉन्स क्या है, स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स ही तो हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है, लेकिन जब वही एनर्जी धरती तक आई तो धरती जब उस एनर्जी को रेडिएट कर रही है तो
तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो है आपकी रेडिएट करती है, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं। लेकिन जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इसी लॉन्ग रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है, इसी के कारण अर्थ का टेम्परेचर जो है आपका बढ़ जाता है। देखिए सिंपल सी प्रोसेस चल रही है, रेज आई शॉर्ट वेव के फॉर्म में और गई लॉन्ग वेव की फॉर्म, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो किसकी वजह से रहा है? आपका जो ग्रीन हाउस अफेक्ट है, उस ग्रीन हाउस अफेक्ट ने क्या किया, जो ये जो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको इसने रोक दिया जाने से। उसके कारण क्या हुआ, जो आपका धरती का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। अगर हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो है आपका वो बढ़ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है, इसके कारण जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग का आपका दिक्कत आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो एटमॉस्फेयर आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इतना सही कंसेप्ट था आपका, होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू वेरी मच। और इसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, इतने डिटेल में वैसे पूछेंगे नहीं, फिर भी हमने पढ़ लिया है क्योंकि सुपर टेट बैच के लिए है, तो सिर्फ उतना ही हम जाएंगे जितना ऐसा पूछा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।